से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 16 को सात विपत्तियां, सात स्वर्गदूतों के द्वारा ईश्वर के क्रोध के प्याले लिए हुए स्वर्गदूत, पिछले क्लास में हम लोग ने देखा एक एक प्याला उंडेलते गया, एक एक विपत्तियां प्रपंच पर मनुष्यों पर पड़ता हुआ। सातवां जो प्याला उंडेलने के पूर्व में, जैसे सात मोहरों की जो घटनाएं हम लोगों ने मनन चिंतन किया, या सात तुरहियां बजाने का, छठवीं और सातवीं तुरही के बीच में थोड़ा समय दिया था, उसी प्रकार यहां पर उतना ज्यादा नहीं, वहां पर एक दो अध्याय का भी हम लोगों को समय मिला था, लेकिन यहां पर केवल दो शब्द के द्वारा एक अंतराल, जैसे वहां पर तुरहियों का हो उसके समान यहां पर मिलाने के लिए दो वाक्यों से 13 से 15 तक का, इन वाक्यों के द्वारा थोड़ा सा विराम दिया है। यहां जैसे 12 के अंदर जो विपत्ति के समय पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया, या पांचवी विपत्ति हो या छठवीं विपत्ति हो, ये विपत्तियों के समय पर हम लोग बार बार यही मनन चिंतन कर रहा है, जो पशु का जो छाप लिए हुए लोग, जो पशु के सामने उनके बातें मानकर उनके अनुयायी बनकर के चलने वाले लोग, उनको यह दंड मिल रहा है, और किस प्रकार लोगों को ये पशु अपनी ओर आकर्षित करवाता है। बीती क्लासों में भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया, लोगों को नष्ट करने के लिए, विश्वासियों को नष्ट करने का प्रयत्न करने वाला। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में और अध्याय 13 में भी हम लोगों ने कुछ मनन चिंतन किया, तो उनके पास, उनके सामने दंडवत ना करने वाले, उनके मोहर ना लेने वाले, बल्कि ईश्वर के संरक्षण की मोहर लिया हुआ जो लोगों को कृपा मिलेगा, और इन लोगों को जो भटकाने वाले कौन है, जो निंदा करने वाले कौन है, इसके विषय में यहां पर थोड़ा सा हमें बताकर दे रहा है। थोड़ा सा वाक्य 13 से पढ़ना अच्छा रहेगा। तब मैंने पंखदार सर्प के मुंह से, पंखदार सर्प मनन चिंतन कर चुका है, शैतान का रूप है, इसका मतलब शैतान के मुंह से मेंढक जैसे 3 अशुद्ध आत्माओं को निकलते देखा, वे अपतूतों के आत्मा है जो चमत्कार दिखाते और सर्वशक्तिमान ईश्वर के महादिवस के युद्ध के लिए समस्त संसार के राजाओं को एकत्र करने जाते हैं। बहुत ही सुंदर, यहां पर इस पंखदार सर्प शैतान क्या करता है, उनके मुख से पंखदार सर्प के मुख से, पशु के मुख से, और झूठे नबी के मुख से, यहां पर 3 व्यक्तियों को बताया, एक पंखदार सर्प और पशु और झूठे नबी, इन तीनों के मुख से 3 अशुद्ध आत्माएं निकला। वो अशुद्ध आत्माएं जो है वो अपदूतों के आत्माएं करके भी बताया। इनको देखने के लिए पंखदार सर्प
हमें मालूम है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर, रेवलेशन चैप्टर 12 के अंदर, महिला के पीछे पड़ने वाले, महिला को खत्म करने के लिए, मारने के लिए कोशिश करने वाले, वो पकड़ में नहीं आया तो उनके शेष संधानों के पीछे पड़े करके समुद्र के बालू पर खड़ा है कर करके हम लोगों ने मन चिंतन किया है अध्याय 12 के अंदर। और अध्याय 13 के अंदर ये झूठे नबी के विषय में ईश्वर का निंदा करने वाले ऐसा, और जो पशु के विषय में समुद्र से और धरती से, जो पृथ्वी से जो निकल करके आने वाला वो पशु, वो धरती और समुद्र पर अधिकार रखने वाला रोमा साम्राज्य के साथ भी हमने तुलना किया था। तो इस प्रकार के ये तीन व्यक्तियों से तीन अशुद्ध आत्मा निकलता हुआ और वो मेंढक के जैसे निकलना, यदि हम लोग इस मेंढक के विषय में थोड़ा मनन चिंतन करें, हमेशा क्रक 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 करते रहने वाला है ये जो मेंढक। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में और 13 में जो ईश्वर के संदान मसीह के कलीसिया के विरुद्ध लड़ने वाले इन सैतानी शक्तियों को हम देखा, यहां पर बता रहा है उनके मुख से निकलने वाले मेंढक। इसका मतलब है ये जो सैतान निरंतर दोषारोपण करने वाले हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में हम लोग ये भी पढ़ा था, ईश्वर का विजय तब हुआ जब अभियोग लगाने वाले ये दूध को गिराया गया। प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10 को पढ़ना है। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से कहते हुए सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राज्यत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता, फिर से बोलना, ईश्वर का विजय, मसीह का विजय तब हुआ है जब भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। अभियोग लगाने वाले चैनल के द्वारा ऐसे कई चैनल आजकल खुल गया है कलीसिया के विरुद्ध बोलने वाले, सत्य कलीसिया, मसीह के कलीसिया। मसीह ने जिस कलीसिया को स्थापना किया कहते हैं वो मसीह का कलीसिया नहीं, ये तो कॉन्स्टेंटाइन का कलीसिया है। तो भाई मसीह का कलीसिया कहां गया? मसीह ने ना पेत्रुस को अधिकार दिया, ना संत पापा को अधिकार दिया। ईसा मसीह ने जिस बाइबल को 73 किताब, हाँ उस समय पर नहीं था, 46 किताब का जो सप्तजिंद बाइबल ईसा मसीह ने और प्रेरितों के इस्तेमाल किया, आज बताता है वो ईश्वर की ओर से नहीं है। 18वीं सदी तक वो बाइबल चलता रहा, अभी 200 साल से कुछ लोग बोलता है वो गलत है। इस प्रकार झूठे अभियोग लगाने वाले, एंटी क्राइस्ट के रूप में संत पापा को दिखाने वाले, उनके टोपी पर लिखा हुआ बोल करके झूठ बोलने वाले, इस प्रकार का झूठ प्रचार करने वाले लोग कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ निरंतर मूर्ति पूजक बोल रहा है। ऐसे लोग वचनों को इस प्रकार गलत अपने मतलब के लिए, शैतान के कार्य के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग, यहां पर बोलता है वे लोग मेंढक है, शैतान के मुख से निकला हुआ मेंढक, अशुद्ध आत्मा, हमेशा अभियोग लगाने का स्वभाव। और ये तीनों सर्प के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठे नबी के मुंह से निकला, इसका मतलब है ये बोलने के विषय में ही है, अभियोग लगाने के विषय में ही। ये मेंढक का स्वभाव निरंतर अभियोग लगाना, निरंतर कलीसिया के विरुद्ध बोलना, ये स्वभाव वाले
यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 6 को पढ़ेंगे, जब मिस्र देश का जो विपत्तियां चला उसमें दूसरा विपत्ति, दूसरा महामारी यही था, मेंढक का, हर एक के घर में घुस गया, नील नदी से मेंढक निकलना, वो राजा हो सबों का घरों में घुस करके उनके जीना हराम कर दिया। मेंढक घुसने का मतलब है क्या क्या करते रहेगा, इस प्रकार का अभियोग लगाने वाले, हमेशा आवाज कर करके लोगों को रहना सोना बैठना मुश्किल करने वाले, अपने मुंह से झूठी कहानियां बनाने वाले, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने वाले, जैसे हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12:10 को पढ़ा और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 13:6 में भी हम लोग देखते हैं, ईश्वर का निंदा करने वाले। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 13 से आगे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, चिन्ह चमत्कार दिखाते हुए, कई लोग बोलते हैं ना कैथोलिक कलीसिया में कोई चिन्ह नहीं है, चमत्कार नहीं है, चमत्कार देखना है तो हमारे पास आओ, देखो ईश्वर इधर है इसलिए तो ये चमत्कार हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 13 के अंदर हम लोगों ने देखा बड़े बड़े चमत्कार, उसको दिखा करके अनेकों लोगों को वहां करियो आकर्षित हुआ। मैंने एक क्लास भी डाला था इसके ऊपर, इसी भाई ने मेरे को 70 साल हुआ कैथोलिक कलीसिया में रह करके बस बेकार हो गया बोलता है, अब पता चला वहां पर देखो, हम गया वहां पर, वहां ये सब कुछ है, और बीच में आया घर से मूर्ति सब हटाने के लिए, मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होना है, मूर्ति सब हटाना है। अनेकों लोग इस प्रकार मूर्तियां फेंकते हैं, ईसा मसीह का फोटो फेंकते हैं, माता मरियम का निंदा करेगा, तब शैतान बहुत खुश हो जाता है, उनको मालूम नहीं है। मैंने उन लोगों से इसलिए एक सवाल किया था, केवल उधर नहीं है, चाहे हिंदुओं के चाहे अन्य धर्म के किसी भी धर्म स्थान पर जाइए, लोग वहां पर क्यों भीड़ हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसके पीछे का कारण है चमत्कार, चिन्ह, चंगाई। क्रिश्चिय चर्चों में इतना कलेक्शन नहीं होता है जितना मंदिरों में होता है, जितना अन्य स्थानों पर होता है। क्यों लोग अपना सोना चांदी इतना सब कुछ वहां भेंट कर रहा है, उनको कुछ प्राप्त हो रहा है, उसकी ओर आकर्षित होने के लिए, बाबा लोगों की ओर आकर्षित होने के लिए शैतान इस प्रकार का कार्य करता है। सत्य कलीसिया से, मिस्सा बलिदान से, प्रभु का शरीर रक्त से दूर करने के लिए इस प्रकार का चमत्कार यही बताता है। ऐसे लोगों को प्रभु के स्थान पर देखना, ये इसमें पवित्र आत्मा है, यही सब है, आपके में नहीं है, चर्च के फादर में कोई आत्मा नहीं, संत पापा में कोई आत्मा नहीं, वो आंटी क्राइस्ट है, पास्टर जो कलीसिया के विरुद्ध जो बोलते हैं, माता मरियम के विरुद्ध जो बोलते हैं, झूठ शिक्षा देते हैं, वो सब पवित्र आत्मा से भरा हुआ बोल करके। इस प्रकार का सत्य कलीसिया से निकालने वाले, झूठे अभियोग लगाने वाले, निंदा करने वाले, पवित्रता को, पवित्र वस्तुओं की निंदा कर रहा है, संतों की निंदा कर रहा है, ऐसे चीजों पर आलोचना कर रहा है जिसकी ज्ञानी नहीं है उनको, इस प्रकार के लोग इस मेंढक का कार्य कर रहा है, अनेकों लोगों को गिराने वाले। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 17-20 तक हम लोगों को मिलेगा, उस महादिन के लिए उनको तैयार कर रहा है, कुछ लोगों को लिए को नर्क के लिए तैयार कर रहा है ये भीड़, चंगाई के पीछे, चमत्कार के पीछे बोल करके ये जाने वाले लोग। साम चैप्टर 2 वर्स 2 को भी पढ़ लेते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 2, वहां पर भी हम लोगों को
ये पढ़ने के लिए मिलता है, किस प्रकार इकट्ठा करते हैं युद्ध के लिए इकट्ठा करने का। आगे वाक्य 15 में और 16 के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं, ये लोग आखिरी युद्ध के लिए लोगों को तैयार कर रहा है। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं। वाक्य 2 में लिखा है, पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं और प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। मसीह और प्रभु के विरुद्ध, मसीह ने जो संस्कारों को ठहराया उसके विरुद्ध बोलने वाले। 7 तो संस्कार नहीं है, यह सब पोप का बनाया हुआ है। ईसा मसीह का शरीर और रक्त को भी ग्रहण करने के लिए मना करने वाले लोग, प्रभु ने बोला मेरा शरीर सच्चा पेय है, सच्चा भोजन है, मेरे रक्त सच्चा पेय है, इस प्रकार देने वाला उस शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए मना करने वाले, इस प्रकार हाहाकार खलबली मचा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और वार्निंग भी दे रहा है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 16 का अगर 15 को हम देखेंगे, वहां पर इंसर्ट किया हुआ हम लोगों को मिलता है वाक्य, वाक्य 15 को, सावधान मैं चोर की तरह आ रहा हूं, धन्य है वह जो जागता और वस्त्र पहने रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह नंगा फिरे और लोग उनकी नग्नता देखे। अर्थात इन मेंढकों के कुरकुर कुरकुर आवाज सुन करके, अभियोग सुन करके जो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, वाक्य 14 को भी पढ़ लेते हैं, ये अपदूतों के आत्मा है, उनको सुन करके अगर जाएगा आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। युद्ध आपके ऊपर कहां है, जो चमत्कार दिखाते और सर्वशक्तिमान ईश्वर के महादिवस के युद्ध के लिए समस्त संसार के राजाओं को एकत्रित करते हैं। पहले हम लोगों ने वाक्य 12 के अंदर पढ़ा था, जिसे पूर्व के राजाओं को मार्ग तैयार करने के विषय में, यहां वाक्य 14 में पढ़ते हैं, समस्त संसार के राजाओं को इकट्ठा करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये दोनों एक नहीं है, इस प्रकार क्यों लिखा हुआ है। अध्याय 19 में जाने के बाद हम लोगों को पढ़ता है, और यहां पर भी आगे लिखा हुआ है वाक्य 16 के अंदर, उन्होंने राजाओं को उस स्थान पर एकत्रित किया जो इब्रानी में हरमगदोन कहलाता है। इब्रानी भाषा में हरमगदोन कहलाने वाला उस स्थान, इस स्थान का मतलब है लड़ने का स्थान, वहां के लिए इकट्ठा करता है। और वाक्य 15 के द्वारा हमें सावधान करता है और कहते हैं ऐसे जो हमें जो सत्य से अलग करने वाला, कलीसिया से दूर करने वाले, उनके बात ना सुनने करके, धन्य है वह जो जागते रहेगा, उनके बातें सुनेंगे नहीं, उस वचन में नहीं पड़ेगा, जो कलीसिया जो सिखाता है, कलीसिया से ईमानदारी से जुड़ते रहेगा, वो है जागते रहने वाला, वस्त्र पहनकर तैयार रहने वाला। कहीं ऐसा ना हो अंतिम समय पर आपको पश्चाताप करने का, या संतों का, माता मरियम का, किसी का भी प्रार्थना निवेदन उस समय पर नहीं सुनने का, क्योंकि यह समय करुणा का समय है, पश्चाताप करने का समय है। बोलते हैं हरमगदोन में सबों को इकट्ठा करवा रहा है। ये क्या है, ये हरमगदोन जो है उसका सही शब्द है मेगिदो। मेगिदो वो जगह है जहां पर अनेकों बार लड़ाई हो चुका है, कई बार लड़ाई हो चुका है। यदि न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 19 में, राजाओं का दूसरा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 27 में, अध्याय 23 का वाक्य 29 में,
जजेस चैप्टर 5:19, सेकंड किंग चैप्टर 9:27, सेकंड किंग चैप्टर 23:29 में लड़ाई के विषय में लिखा हुआ है। यस्द्रलोन घाटी में वहां से हाईवे जाता था, कई इंटरनेशनल सड़क पार होता था, इसी वजह से वहां पर कई राजा इकट्ठा होते थे लड़ने के लिए, लड़ाई का जगह। और इस प्रकार हम लोगों ने जो वचन सुना है उसके अनुसार जो कोटेशन, जो जगह, वहां पर कई लड़ाई हुआ है करके। यज़कियेल का ग्रंथ अध्याय 38, यज़कियेल चैप्टर 38 वर्स 8 में, और 39 चैप्टर 39 वर्स 4 में, यज़कियेल चैप्टर 38 वर्स 8, चैप्टर 39 वर्स 4 में गोग मगोग के विषय में लिखा हुआ है। वहां पर हमें मिलेगा इज़राइल के पहाड़ी प्रदेशों में अनेकों ऐसे ईश्वर के विरुद्ध या ईश्वर विश्वासियों के चुने हुए लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिए जो आने वालों का डेड बॉडी उस जगह पर गिरने का गोग मगोग के प्रतीक कहानी के द्वारा हमें वहां पर समझाया है। हर्मगदोन, इस प्रकार वो नाम मिला है वहां पर, लड़ाई का मैदान, मगदोन नाम से ये फेमस है। किस प्रकार ईश्वर सब प्रकार के अपवित्रता को, मूर्ति पूजा को नष्ट करेगा, ऐसे लोगों का नष्ट करेगा और अपना शांति, अपना प्रेम, अपना राज्य स्थापित करेगा, इसके द्वारा ये बता रहा है। ये हम लोगों को, ये वाक्य 16 हम लोगों को अध्याय 19 में वाक्य 17 से 20 तक जो अंतिम लड़ाई होने वाला है उसकी ओर लेकर के जाता है। ये कनेक्शन है, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बोला था, रेवलेशन क्लास में बहुत चेन सिस्टम है करके कुछ बातें बताकर। जैसे पिछले क्लास में भी हम लोगों ने मनोचिंतन किया, अध्याय 15 का वाक्य 1 को आगे फिर आकर के वाक्य 5 से जुड़ा हुआ, और वहां से फिर से अध्याय 16 की ओर कनेक्ट करता हुआ। इस प्रकार यहां पर ये वाक्य 16 हम लोगों को अध्याय 19 में लेकर के जाता है, जहां पर हम लोग हर्मगदोन को फिर से पाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अगले क्लास में हम लोग सातवें जो प्याला उंडेलने के विषय में मनन चिंतन करेंगे। आज के क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया उन तीन बुरे चीजें, चाहे वो पंखदार सर्प हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो झूठे नबी हो। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 12 और 13 के अंदर इनको देखा, उनके मुख से निकलने वाले मेंढक जैसे एक दुष्ट आत्मा को, जो लोगों को जीना हराम करेगा, लोगों के मन में शक डालेगा, सत्य कलीसिया से निकालने वाले चिन्ह चमत्कार दिखा करके वो झूठे नबी जैसे झूठ बोल करके कलीसिया के विरुद्ध में झूठे अभियोग लगा करके निरंतर चलने वाले, ऐसे लोगों से बचकर रहने के लिए ये वाक्य 15 में सावधान किया, निर्णय कीजिए ऐसे झूठे लोगों के बातों में हम नहीं जाएंगे। चिन्ह चमत्कार देखने के लिए, वहां चमत्कार है, वहां वो है, ये कलीसिया सही नहीं है, संत पापा सही नहीं है, इस प्रकार हम नहीं भागेंगे। निर्णय कीजिए, मसीह ने हमें एक कलीसिया दिया, धन्यवाद दीजिए, अपने रक्त से हमें सींचा है, इसलिए 7 संस्कारों के साथ जुड़कर इनके द्वारा हम स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि मसीह ने संसार में हमारे लिए किए हुए कार्य इन 7 संस्कारों के द्वारा
आज भी हमें मिल रहा है। सत्य कलीसिया से जो जुड़े हुए हैं उनको ये सात संस्कार है, उसके द्वारा ये कृपा स्वर्ग राज्य मिलने वाला। निर्णय कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अपनी सारी आवश्यकताओं को समर्पित कीजिए। आपके घर में शांति आवे, आपके जीवन में शांति आवे, प्रभु का प्रेम का अनुभव आपको इसी समय पर मिले। आपके जीवन में सफलता का जरूरत है, प्रभु में जुड़ जाइए, आपके साथ सफलता रहेगा। ईसा मसीह के द्वारा आपको सफल बनाए। जो भी बंधन है, सैतानी बंधन है, उन सभी विचारों को, उन बातों को तिरस्कार कीजिए। ऐसे मेंढक आपके घर में घुस करके आएगा, उनको निकाल दीजिए घर से, जो आपको भटकाने वाले, मूर्तियों को हटाने वाले, जो ईसा मसीह के विरुद्ध में, मां मरियम के विरुद्ध में, संतों के विरुद्ध में, अधिकारियों के विरुद्ध में हमेशा अभियोग लगाने वाले लोग, उन मेंढकों को निकाल दीजिए। आपको हमेशा इस प्रकार तंग करने वाले ऐसे लोगों को निकाल दीजिए। प्रभु चाहते हैं इसके द्वारा आपके वो शांति मिलेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।